ट्रांसफर टाइप की वेव है, यानी कि इसमें पार्टिकल्स वेव प्रोपोगेशन के कैसे वाइब्रेट करेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर करेंगे साहब। ठीक है, तो हम इसकी वेलोसिटी वगैरह देखेंगे, है ना, और सब कुछ देखेंगे इसमें हम, जो जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एनर्जी भी देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे, वेलोसिटी का टाइम कितना लगता है, वो सब इसमें देखेंगे कि वेव इन अ स्ट्रिंग। इक्वेशन तो कैसी रहेगी, वही भंगार सी, वाई एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस, एक्स क्योंकि हमारा वही वाला वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव है तो वैसा ही रहेगा ये, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, है ना, तो दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। वाई एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ट्रांसवर्स वेव। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेव वेलोसिटी की। तो देखो यहां पर कोई भी एक स्ट्रिंग में केवल तभी वेव फ्लो हो सकता है जब उसमें क्या हो, टेंशन। यस और नो? टेंशन यस होना बहुत यस जरूरी है। और मान लेते हैं इसका मास एम है, लेंथ एल है स्ट्रिंग का, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, M/L एम बाई एल। एम बाई एल को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से म्यू से। तो जो वेलोसिटी आता है वो क्या आता है, T/U। अंडर रूट टी बाई म्यू, यानी कि इसमें जो भी वेव जनरेट होगी उसका वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी है, वो टी बाई म्यू होगी। और इसको ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस, हाँ, ओमेगा बाई के भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या आप लोगों आ रहा था, आ रहा था। को? अच्छा ठीक है, तो v बराबर रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो ये वेलोसिटी, जैसे टी क्या होता है, बेसिकली टेंशन होता है। जैसे कि देखो अभी ये मत पूछना ये आता कहाँ से, क्योंकि इसको डिराइव करना पड़ेगा हमको, और उतना टाइम हम देंगे नहीं इसमें कि भाई डिराइव करो, ये करो, वो करो। ठीक है, सो डिराइव विराइव नहीं करेंगे, आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, रूट टी बाई म्यू, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, सब लोग सब चीजों को अगर डिराइव करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो आप डायरेक्ट याद रखो टी यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है टी हमारा। अब देखो इसके सब बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल और क्या, जैसे कि इसके कुछ और फॉर्मूले भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो इसके और फॉर्मूले क्या क्या हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे ये एक मास एम है और ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मासलेस माना है मैंने, मासलेस का मतलब मास तो है इसका, है ना, लेकिन इसका मास बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ब्लॉक का, ब्लॉक का मास तो इसमें क्या होगा, टेंशन किसके बराबर होगा हमेशा, एम जी। mg तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट एम जी बाई, न्यू। अंडर रूट एम जी बाई म्यू से। अब आपसे बोलेगा कि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा, सो टाइम टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि किसी भी जर्क को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम लगेगा एल बाई वी, ये वी यहां पर कांस्टेंट है, यानी कि हर पॉइंट पर टेंशन टी ही रहेगा, दैट टी इज ऑलवेज एम जी इन दिस पर्टिकुलर केस। यहां पर ये वेलोसिटी का एक्चुअली फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे लिखा जा सकता था मैं बताता हूं आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक रॉड है,
ठीक। तो अभी ये टेंशन टी अगर मैं बात करूं तो टेंशन को तो टी ही रहने दो, इसको लिखो एम अपॉन एल, लिख सकते बेटा? हाँ एल लिख सकते हैं। तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट एम टी एल बाई एम। अब मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू लेंथ। यस यस सर। एल से एल कट जाए। तो एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया क्या? रो यहाँ पर डेंसिटी है, ए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, रो डेंसिटी है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यही फॉर्मूला हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंशन अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा रूट सिक्स। ऐसे भी ये वैलिड हो जाता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई रो है, अंडर रूट सिग्मा बाई रो। इसका एक और फॉर्मूला है अंडर रूट नीटा बाई, अंडर रूट नीटा। नीटा क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, नहीं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इलास्टिसिटी नहीं। सर सिग्मा क्या है यहाँ पर? सिग्मा क्या है? बेसिकली स्ट्रेस है। तो नीटा है मॉडुलस, रो क्या है? डेंसिटी है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अंडर रूट टी बाई रो ए भी लगता है, सिग्मा बाई रो भी लगता है, नीटा बाई रो भी लगता है, दिया क्या हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव के वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं ये, याद रख लेंगे? ये तीन चार फॉर्मूले हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास में। सिग्मा बाई रो, नीटा बाई रो, टी बाई रो है, रूट टी बाई म्यू, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, है ना? अगर हम बात करें एक रॉड की, तो क्या एक रॉड में टेंशन हर जगह सेम रहेगा क्या? एक वर्टिकल रॉड में या अलग अलग रहेगा? अलग अलग, अलग अलग रहेगा। यहाँ पर तो टेंशन जीरो रहेगा। यस यस सर। इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? एमजी। हाँ। तो हर जगह पर टेंशन अलग अलग होने की वजह से अगर आप यहाँ से कोई जर्क पैदा करते हैं तो उसको ऊपर जाने में उसका वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई म्यू तो होगा, लेकिन ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो टेंशन किस पार्ट की वजह से आता है? नीचे वाले पार्ट की वजह से या ऊपर वाले पार्ट की वजह से? नीचे। टेंशन हमेशा नीचे वाले पार्ट की वजह से आता है, हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो टेंशन इस वाले पार्ट की वजह से आएगा। और ये मास कैसे निकालेंगे हम लोग? एम बाई एल इंटू वाई से। हाँ। एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी हो गया हमारा एम जी डिवाइडेड बाई एम बाई एल। एम बाई एल से एम बाई एल कट गया तो क्या आ गया? अंडर रूट वाई जी। वाई जी नहीं जी, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमको जैसे कि मिडिल पॉइंट की बात करें तो वी मिडिल बात करें तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट जी एल बाई टू। हाँ। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट GL. तो ऐसे किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी, मतलब किसी भी पॉइंट पर वेव के वेलोसिटी आप लोग निकाल सकते हैं, ये वेरिएबल है ये। अच्छा टाइम की बात करें तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मान लो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वाई वन टू वाई टू, यानी कि y1 से y2 जाने में कितना समय लगेगा? तो वेलोसिटी आपको पता है रूट जी वाई है, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? dy by dt।
हाँ यार ऐसे ही करते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि आ जाएगा डी वाई अपॉन रूट वाई रूट जी डी टी, दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन आपको जाना है वाई वन से वाई टू। तो मान लो जीरो पे वाई वन पे था और टी टाइम पे वाई टू पे पहुंच गया, तो ये आ जाएगा टू रूट वाई टू माइनस रूट वाई वन बराबर रूट। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया खतरनाक, टू बाय रूट जी इंटू रूट वाई टू माइनस रूट वाई वन। ये लो साहब खत्म। यानी कि वाई वन से वाई टू जाने में इतना समय लगेगा। जैसे कि मैं बात करूं अगर बॉटम से मिडिल, बॉटम से मिडिल में वाई वन वाई टू क्या हो जाएगा बताओ, जीरो एन बाय टू जीरो और एल बाई टू। तो क्या आ जाएगा वो टाइम, टू बाई रूट जी, बोलो रूट एल बाय रूट एल बाई टू माइनस जीरो माइनस जीरो। तो लिखने की जरूरत है बॉटम से मिडिल और मिडिल से टॉप। एल बाय टू से एल एल यानी कि वाई वन होगा एल बाई टू और वाई टू हो जाएगा एल। तो कितना टाइम लगेगा, टू बाई रूट जी रूट एल माइनस। रूट एल बेटा इनको रेशियो बाय पूछा टू। जाता है आपसे वो याद रखिएगा, ठीक है। झूठ नहीं बोलूंगा, धंधे पे बैठा हुआ हूँ, झूठ बोल के फायदा ही नहीं है। जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उनको भूलो मत, वही आपका मदद करेंगे यहाँ पर। समझने वाली बात यही है कि वेरिएबल है। एक और बात समझने वाली है, कभी कभी क्या बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देता है, कैसे देता है, रोड पे ब्लॉक लगा देता है ये M1 और M2। यानी कि ऐसा कुछ सिस्टम हमको बना के दे देता है, तो आपको पूछता है किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी। तो आपसे पूछेगा मान लो यहां का वेलोसिटी बताओ, इस जगह का वेलोसिटी बताओ, तो आपको ये वाला टेंशन लेना है, ठीक है बेटा। ये यस तो सर, यस सर। अंडर रूट टी की जगह M1G तो पूरा पूरा आ गया और ये पूरा नहीं आएगा, ये तो कितना आएगा, M2L इंटू वाई अपॉन म्यू। म्यू बेटा इसका, म्यू इसका लिखना रे म्यू स्ट्रिंग का लिखा जाता है, ब्लॉक का नहीं, है ना, थोड़ा सा सावधान रहना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें वो टाइम पूछेगा कहाँ से कहाँ गया, क्यों गया, क्यों दिमाग खराब था क्या उसका, उधर ही क्यों जा रहा है, एंड सो। ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और चर्चा करते हैं एनर्जी की यहाँ पर। तो देखो एनर्जी और इंटेंसिटी वगैरह की, पावर वगैरह की बात करेंगे हम लोग। तो एनर्जी कौन कौन सी रहेगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी और एक पोटेंशियल है। पोटेंशियल देखो यहाँ पर जो हमारे पास में पूरा का स्ट्रिंग है ना, तो छोटे से पार्ट की हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। छोटा सा पार्ट डीएक्स ले लो आप, ये छोटे से पार्ट डीएक्स का वेलोसिटी निकाल लो तो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। छोटा सा काइनेटिक एनर्जी हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर या वीपी स्क्वायर, वीपी स्क्वायर। वीपी वीपी बोले तो वेलोसिटी ऑफ, आर्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव में क्या रिलेशन है बेटा, माइनस बी इनटू स्लोप माइनस वी इंटू स्लोप। स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, आप डीएम बोलो वी स्क्वायर इंटू स्लोप। स्लोप स्क्वायर। तो ये छोटा सा काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब मुझे पता है पर यूनिट लेंथ का मास अगर म्यू है तो डीएम क्या हो जाएगा, म्यू डीएक्स। हाँ तो ये आ जाएगा हाफ म्यू डीएक्स वी स्क्वायर। स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर, हाँ या ना, अरे बोलो एल यार, वाई बाय डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, तो देखो पहले हमारे पास स्ट्रिंग ऐसे थी, इसमें कोई भी वेव जनरेट नहीं हुई थी,
फिर आपने एक वेव जनरेट कर दी, तो होता क्या है, ये छोटा सा पोर्शन बेचारा खिंच जाता है, जो पहले ऐसे था अब ऐसा हो गया, हाँ या ना? हाँ तो वो खिंच जाने की वजह से क्या होता है, टेंशन की वजह से खिंचता है वो, सो टेंशन वर्क करता है, तो वर्क डन बाय टेंशन ही किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ ये वर्क डन बाय टेंशन स्टोर्ड इन पोटेंशियल। तो टेंशन का वर्क डन कितना हो जाएगा, टेंशन का वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पहले डीएक्स था, अभी डीएल हो गया, तो क्या हो जाएगा, डीएल माइनस डीएक्स डीएल। कैसे निकाले सर, ये रहा आपका डीएल, ये आपका डीएक्स है, ये डीवाई होता है, सो डीएल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डीएक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ डीएक्स स्क्वायर प्लस। डीवाई स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता है, वेलोसिटी क्या था, अंडर रूट टी बाई म्यू, हाँ इसके बराबर आ जाएगा म्यू वी स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ है ना, देखते जाना बेटा, ये इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन डेरिवेशन आपको अच्छा लगेगा। सो म्यू वी स्क्वायर लिख दिया टी की जगह, अब ये बहुत छोटे छोटे हैं सबके सब, है ना, तो मैं डीएक्स कॉमन ले रहा हूं, यहां से डीएक्स कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वन। अब तो आपको पता चल रहा है क्या करने वाला हूं मैं, वन प्लस एक्स रेस टू एन को क्या लिखेंगे, वन, 1 + nx। तो ये वन प्लस एक्स रेस टू एन, एन पावर कितना है, आधा, क्यों आधा आधा है या नहीं है, वन से वन क्या हो गया, कट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, बोलो साहब, 1/2 म्यू डी एक्स इंटू वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। अरे जब दोनों को देखो तो डी के और डी यू को देखो जरा, सेम 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 दिखते हैं क्या, है। हाँ, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। कितनी खतरनाक बात है ये, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, यही तो बात है। अरे दोनों सेम फॉर्मूले आ गए तो एक मैक्सिमम तो दूसरा मिनिमम हो जाएगा क्या, नहीं। कुछ भी बोलती हो, एक मिनिमम तो दूसरा भी, मिनिमम और एक मैक्सिमम तो दूसरा मैक्सिमम मैक्सिमम, बराबर बराबर आती है। एक्चुअली ये क्या है ना, पर यूनिट लेंथ है, मतलब एनर्जीज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि नीचे डीएक्स आ रहा है ना, डीएक्स मतलब स्ट्रिंग का छोटा सा लेंथ। सर ये डेल वाई बाई डेल एक्स कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव लेके, यस डेरिवेटिव लेके निकालेंगे ना, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा फिर, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता, ये यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होता नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी तो आगे कैसे जाएगी, राइट, एनर्जी को आपको आगे भेजना है, चली जा तू जिंदगी जी ले अपनी, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे रहेगी बेटा एक पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम कर रहे हैं, तो क्या एक पॉइंट पर एनर्जी कांस्टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं। यानी कि एसएचएम में तो क्या होता था, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती थी, यस और नो, हाँ, यहाँ पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली नहीं है, नहीं। ये ध्यान रखना। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के हिसाब से डेल वाई बाई डेल एक्स निकालो, कितना आता, सांगा सांगा सांगा, माइनस के ए है कॉस, हाँ या ना, ऐसे आएगा, हाँ, इसका स्क्वायर डाल दो बेटा, तो आप देखेंगे डी के बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, हाफ म्यू वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के।
ऐसा आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ओमेगा के टर्म्स में लिखना तो वी को क्या लिख लो, ओमेगा बाई के, हाँ ना के। तो वी को हाँ। जितने आप ओमेगा बाई के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा। तो कितना आ गया बेटा आंसर फाइनली, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। अरे खतरनाक, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो आया डी के बाय डी, मुझे तो टोटल एनर्जी चाहिए थी, तो क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस कर दें किसी एक का। हाँ ट्वाइस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टोटल एनर्जी, तो डी टी बाय डी एक्स आ जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। यस और नो, हाँ ये तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है जो कि कांस्टेंट नहीं है, नहीं है, किसका फंक्शन नहीं है, एक्स और टी, इट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके साथ आ जाता है। अब क्या है ना, इस यहाँ पे पावर निकालते हैं हम लोग, तो पावर क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, यस और नो, मतलब डी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन डी टी, सो डी टी बाई डी एक्स, ये टोटल एनर्जी बता रहा है यहां पर, है ना, डी टी बाई डी एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सॉरी डी टी बाई डी टी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई करो dx से और डिवाइड भी कर दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dt by dx into dx by dt, but dx by dt तो क्या है, velocity of wave, yes yes sir, yes sir, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। डाल दो यहाँ पर, कितना आता पावर, कितना आ गया मेरा mu omega square a square v cos square omega t minus k x, ये तो पावर आ गया मेरा, दिस इज माई पावर, है ना। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज पावर, तो एवरेज पावर के लिए हमको पता है कोस स्क्वायर का एवरेज कितना आता है, 1/2। अरे बोलो हाँ या ना, कोस स्क्वायर का एवरेज आता है बेटा। बेटा यहाँ पर जो ए है ना वो एरिया नहीं है, ए क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड है ना, गधे की तरह नहीं लगा देने का एरिया है। वी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, म्यू यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी है, सो एवरेज पावर आता है 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। पावर आ गया तो क्या इंटेंसिटी आ जाएगा, इंटेंसिटी क्या होता है, कैसे नहीं, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी अपॉन एरिया। अब आगे कैसे सोल्व करें इसको, म्यू को क्या लिखो, म्यू को क्या लिखो बेटा, एम बाई एल, एल म्यू को लिखो एम बाई एल, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी अपॉन एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पे एरिया को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, ऐसे यहाँ पर कौन है, एम्पलीट्यूड और एरिया, मास को क्या लिखो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम, मास को लिखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का बड़ा भी लिखना, ठीक है। अब ये देखो एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो इंटेंसिटी का एक खतरनाक फॉर्मूला आ जाता है क्या, 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ हाँ। अब किताबों में क्या होता है, ओमेगा को 2 पाई एफ डाल देते हैं,
ओमेगा को 2 पाई एफ डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर वी, आया ना? हाँ सर। तो इंटेंसिटी का एक बहुत खतरनाक फॉर्मूला दिया होता है बुक के अंदर, 2 रो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, ये दिया होता है। फिर एडा बनाते हैं वो लोग, इतना बड़ा फॉर्मूला, अरे बड़ा क्या है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी याद करो बस। रो डेंसिटी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है जब चेंज करते हैं किसको, मीडियम को। सो व्हेन मीडियम इज चेंज्ड, कौन सा चीज कभी चेंज नहीं होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर ओमेगा और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज नहीं, टाइम पीरियड भी चेंज नहीं, बट डेंसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है और एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है। यस और नो? यस सर। तो यहां से अगर मैं बात करूं मीडियम वन से मीडियम टू में अगर आप जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज कॉन्स्टेंट रहेगी बताओ, मीडियम वन एंड मीडियम टू की बात करें तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, देखो टू कॉन्स्टेंट है, पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एफ स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा, रो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यानी कि आई वन अपॉन आई टू क्या आ जाएगा, रो वन अपॉन रूट टू इनटू ए वन स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इनटू वी वन अपॉन वी टू। मीडियम वन से मीडियम टू में जा, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, रिफ्लेक्शन इन मीडियम वन ओनली, राइट, तो अगर मीडियम वन की बात करूं, मीडियम वन में ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई तो क्या डेंसिटी सेम रहेगा, हाँ, एक मीडियम के लिए, यानी कि इस केस में आई वन अपॉन आई टू क्या आएगा, ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इंटू अपॉन वी टू। लेकिन 100% रिफ्लेक्टिव पावर है तो फिर, तो फिर क्या वी वन बराबर वी टू हो जाएगा, हाँ, है ना, जैसे आपने तीन पावर पढ़ी होगी, रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिटिविटी और अब्सॉर्प्टिविटी, पढ़ा कभी जिंदगी में, हाँ, फिजिक्स पढ़ा होगा बेटा कभी जिंदगी में, तो वहां पर आता है ये, तो यहां पर रिफ्लेक्टिविटी वन है, यानी कि जितना भी आया वो सब क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहां पर वी भी सेम हो जाता है, तो आई वन अपॉन आई टू क्या बचता है, सिर्फ ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, जिसका हम जनरली यूज करते हैं, है। आया ना, हाँ, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यस और नो, यस सर, आपने देखा हो ना, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो यहीं से आता है, इतना सब अज्यूम करने के बाद में है ना, इतना सब अज्यूम करोगे जद आएगा वो, ऐसा नहीं आता वो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सबके सब, ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा वाला वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स। अब हम बात करेंगे किसकी, लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल वेव की अगर हम बात करें तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैसे अलग है बेटा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव अलग कैसे हैं, उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं पार्टिकल के कैसे रहते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और उसका एग्जांपल कौन है, सांड है ना, साउंड, सॉरी साउंड है ना, तो साउंड जो है उसमें जैसे हम बोलते हैं तो उसी डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेशन वो वेव होता है तो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या करते हैं बेचारे, वाइब्रेट, वाइब्रेट, जैसे कि भोपू बजाया आपने, ठीक है, भोपू बजाते हैं तो ये भोपू बजने से पहले पार्टिकल्स ऐसे थे एकदम सज रहे थे, अब भोपू बजने से क्या हो गया, कुछ पार्टिकल दब जाते हैं बेचारे, कुछ पार्टिकल दब जाते हैं तो कुछ पार्टिकल क्या होता है, दूर दूर हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल दब जाएंगे तो कुछ पार्टिकल दूर दूर, दूर दूर,
तो जहां पे दब गए वहां पे क्या बना? कंप्रेशन। और जहां पर खुल गए वहां पे क्या बना? रेयर फ्रिक्शन। हाँ या ना? हाँ। फिर से क्या आएगा? कंप्रेशन, फिर से क्या आएगा? रेयर फ्रिक्शन। सो कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। यानी कि कंप्रेशन का मतलब कि यहां पे जो प्रेशर है वो किससे ज्यादा है? पी नॉट। और रेयर फ्रिक्शन मतलब यहाँ का प्रेशर पी नॉट से क्या है? कम कम कम। पी नॉट क्या है? 180 atm। हाँ। इसको बोलते हैं हम एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर नहीं, तो एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर। और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.013 × 10⁵ रास्कल, है ना? पास्कल। पास्कल। हवा का दबाव है ये, हवा का प्रेशर है, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, ऐसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हुए साउंड आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता है वो, ठीक है? तो देखो यहां पर मैं बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ वेव की, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव, बेसिकली तो ये फॉर्मूला है रूट ई बाई रो, दिस इज जनरल फॉर्मूला। ई क्या है यहाँ पर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, दिस इज जनरल फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लो साउंड इन अ सॉलिड की बात करूं, यानी कि साउंड अगर सॉलिड में ट्रेवल करता है तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट वाई बाई रो। वाई क्या है यहाँ पर? यंग्स मॉडुलस। वाई हियर इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मतलब क्या? जवान मॉडुलस। यस नहीं, साइंटिस्ट का नाम है। हाँ। रो तो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में वो चल रहा है, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। और यही अगर फ्लूइड है, फ्लूइड साउंड इन अ फ्लूइड, तो साउंड अगर एक फ्लूइड में चल रहा है तो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट बीटा बाई रो। बीटा क्या होता है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। ये फॉर्मूले हमको ऐसे आने चाहिए जैसे बस यही है और कुछ भी नहीं है, यही जिंदगी है, यही होना चाहिए। बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा पी बाय वी। डेल्टा पी क्या कहलाता है? एक्सेस प्रेशर। हाँ या ना? हाँ। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्स्ट्रा, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर एक्सेस प्रेशर है, क्योंकि एक जगह कंप्रेशन है। हाँ। और एक जगह रेयर फ्रिक्शन है। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन से साउंड आगे बढ़ता है ना? और बीटा को आप क्या लिख सकते हैं? बीटा को लिख सकते हैं, अब बीटा भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो न्यूटन भाई साहब ने बोला था और एक लाप्लास भाई साहब ने बोला था। न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला था कि जो साउंड होता है वो कैसे चलता है? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली, यस और नो? यस सर। ये बोला था किसने? न्यूटन भाई साहब ने, कि साउंड जो है वो आइसोथर्मली चलता है। और इस केस में बीटा क्या हो जाता है हमारा? प्रेशर। प्रेशर के बराबर। यस यस सर। और लाप्लास ने सही किया, क्या बोला लाप्लास ने? साउंड ट्रेवल्स एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली चलता है, यानी कि यहाँ पे बीटा होता है गामा पी। हाँ या ना? हाँ। गामा क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। कांस्टेंट। और ये आपको पता है, कहाँ पढ़ा है आपको गामा? थर्मल फिजिक्स में पढ़ा के दिया है। यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला न्यूटन के हिसाब से होना चाहिए रूट पी बाई रो। हाँ। और लाप्लास के हिसाब से क्या होना चाहिए? रूट गामा पी बाई रो। गामा पी। बट पी बाई रो तो क्या होता है? आरटी बाई एम, अगर आइडियल गैस में माने तो। हाँ। एम होता है एम नॉट, मोलिकुलर मास, मोलार मास इसको बोलते हैं। तो रूट गामा पी बाई रो, रूट गामा आर डी बाई एम। ये आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर राइट, और एम नॉट क्या है मोलार मास। तो आप देखेंगे कि एक गैस के लिए फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस क्या ये तीनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो वेलोसिटी सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि v1 अपॉन v2 क्या आ जाएगा रूट t1 अपॉन t2, रूट t1। और अगर फॉर टू डिफरेंट गैसेस, दो गैसेस की बात करूं तो r कांस्टेंट होगा, तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा रूट गामा वन अपॉन गामा टू, रूट टी वन अपॉन टी टू और रूट एम टू बाई एम। यहां से देद धनाधन क्वेश्चन बन के आते हैं, रेशियो निकालो, ये निकालो, वो निकालो। याद रहे यहां पर टेम्परेचर किसमें डालना है, और यहां पर जो मोलार मास है, मोलार मास जनरली किसमें आता है, ग्राम पर मोल में, ग्राम। उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी पर मोल, तब जाकर के आंसर सही आएगा। आप डाल दोगे ग्राम पर मोल वाला, गधे की तरह ऑक्सीजन बोला, साउंड फ्लो कर रहा है ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कितना डाल दोगे, 32। 32 मत डालना, 32 से आंसर गलत आ जाएगा। क्या डालना पड़ेगा, 32 × 10⁻³ तब जाके सही आंसर आपको मिलेगा। तो भले ही आपको फॉर्मूला याद है लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन इम्परफेक्ट, परफेक्ट। सो रूट गामा पी बाई रो, रूट बीटा बाई रो। जनरली साउंड का वेलोसिटी कितना होता है हवा में, जनरली 340, यस और नो, ऑलमोस्ट 340। अच्छा आप मुझे बताओ कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से साउंड किसमें ट्रेवल करता है तेजी से, सॉलिड सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज किसमें, सॉलिड में, सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज चलता है साउंड, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में, ऐसे जाता है ये, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ह्यूमिड एयर के बारे में भी बताता हूं, ह्यूमिड एयर। तो ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर, कौन सी एयर में साउंड तेज चलेगा, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर में। ये मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, थियोरेटिकल नॉलेज है ये, ह्यूमिड एयर में तेजी से चलता है ड्राई एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि ह्यूमिड एयर का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, फायदा होता है, साउंड को सपोर्ट मिलता है वहां पे। ऐसे सॉलिड में पार्टिकल्स पास होने की वजह से ज्यादा सपोर्ट मिलता है, एनर्जी ट्रांसफर बहुत अच्छे से हो जाता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हम बात करते हैं इक्वेशन की, वेव इक्वेशन की बात की जाए, साउंड के वेव इक्वेशन की। तो साउंड वेव में कितनी, तीन इक्वेशन बनाई जा सकती है, एक तो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन जो जनरली हम लोग देखते हैं, दूसरी आती है एक्सेस प्रेशर वेव इक्वेशन। एक्सेस प्रेशर मतलब कि कभी प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कभी प्रेशर कम हो रहा है एटमॉस्फेयर से, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के टर्म्स में भी एक वेव जनरेट की जा सकती है, तो इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर वेव। तीसरी होती है डेंसिटी वेव, बट डेंसिटी वेव हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ये दो ही वेव को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव मतलब पार्टिकल का अपनी मेन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी पर, जैसे मान लो ये भोपू बजा दिया, इधर से भोपू बजा दिया, तो भोपू हो गया सोर्स मतलब ओरिजिन, ये पार्टिकल था बेचारा, यहां से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर एक पार्टिकल था, तो ये इसका मेन पोजीशन है, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा, यस और नो, यस सर, यस सर। किसी भी टाइम टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मान लो अगर एक्स है, तो ये जो एक्स होगा ये किसका फंक्शन होगा, एक्स का और टी का, टी का। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए यहाँ पर एक्स का यूज ना करते हुए किसका यूज किया जाता है, एस का, कि हाँ बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, ये एस एक्स टी होता है,
SXT क्या है? Displacement of the medium particle from its mean position at time t, which is situated at a distance x from the source. तो जैसे ये normally हमारा होता था, क्या होता था? A sin omega t minus k. बस यहाँ पर a की जगह क्या आ जाता है? S naught. इसको बोलते हैं हम displacement amplitude. बिल्कुल सेम है ये, डिट्टो सेम है, इसमें कोई भी तकलीफ हमको नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा कंक्लूजन बता देता हूं. जैसे अगर मान लो मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, क्योंकि वेव तो चलती रहती है. देखो इसमें अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से राइट में मौजूद है, तो मेन पोजीशन से अगर वो राइट में मौजूद है तो यहां पर वो ऊपर मौजूद होगा. यानी कि यहां पर मेन पोजीशन लाइन ये होती है, तो वो कहीं ऊपर मौजूद होगा. यानी कि अगर पार्टिकल यहां कहीं पर है तो ये यहां पर हो सकता है, और अगर पार्टिकल मेन पोजीशन के लेफ्ट में है तो पार्टिकल यहां कहीं हो सकता है. तो मैं लिख देता हूं कि इसमें अगर पार्टिकल राइट में जा रहा होगा तो आप उसको यहां पे अप शो कर दीजिए, ऊपर. हाँ, ऊपर. और अगर यहां पे लेफ्ट में जा रहा होगा पार्टिकल तो आप उसको कहां शो करिए? डाउन में शो. नीचे. ये हमको समझना होगा. भले ही मैंने वाई एक्सिस के अलोंग बनाया है, लेकिन वाइब्रेशन अभी भी किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में ही. तो इसको समझना होता है. और ये वही पार्टिकल्स के लोकेशन से डिफरेंट. तो कुछ जगह बनेगा रेयरफैक्शन और कुछ जगह क्या बनेगा? कंप्रेशन. तो ये आता है हमारा S बराबर S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के. अब हमको क्या चाहिए? ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव. इसमें वो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं कंपेयर करके, ओमेगा के. यहां पर भी V बराबर ओमेगा बाई के वैलिड है. ओमेगा टी और के एक्स अगर ओपोजिट साइन के हैं तो प्लस एक्स में जा रहा होगा, ओमेगा टी और के एक्स सेम साइन के हैं तो माइनस एक्स में जा रहा होगा. वही सारी की सारी चीजें वो की हुई है. वी मैक्स बराबर ओमेगा ए हो जाएगा, ओमेगा एस नोड हो जाएगा पार्टिकल का वेलोसिटी. सेम रिलेशन यहाँ पे भी वैलिड होगा. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज माइनस ऑफ वी इनटू स्लोप. सब वो का वही है, कोई भी अंतर नहीं है. एक्सेस प्रेशर वेव कैसे निकालते हैं इसमें? तो एक्सेस प्रेशर वेव निकालने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, उसका पालन हमको करना पड़ता है. वो क्या है कि जो आपका डेल्टा वी बाई वी होता है वो किसके बराबर आता है? डेल एस बाई, मतलब डी एस बाई, इसके बराबर आता है. यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो डी एस बाई डी एक्स के बराबर आ जाता है. अब जैसे बल्क मॉडुलस है तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई अपॉन डेल्टा वी बाई. तो यहां से डेल्टा पी क्या आ जाएगा? माइनस बीटा डेल्टा वी बाई. तो जैसे ही मैं यहां पे वैल्यू डालता हूं, डेल्टा पी बराबर, डेल्टा पी ही एक्सेस प्रेशर है, माइनस डीएस बाई डीएक्स. निकालो डीएस बाई डीएक्स कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव लो तो डीएस बाई डीएक्स आ जाएगा माइनस के एस नोड कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. यानी कि डेल्टा पी बराबर कितना आ गया? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. यानी कि बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी. हाँ या ना? हाँ. और ये जो है यही हमारा क्या है? डेल्टा पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है. डेल्टा पी मतलब एक्सेस प्रेशर एट अ लोकेशन एक्स एट टाइम टी. डेल्टा पी नॉट क्या है? एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स. वेयर डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू बीटा के एस नॉट. ये होता है एक्सेस प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड. इसमें ये एडिशनल इक्वेशन आती है.
तो अगर मुझे किसी भी जगह का प्रेशर निकालना है तो मुझे क्या करना है, सिंपली पी प्लस पी नोट प्लस प्रेशर एट एनी पॉइंट, एब्सोल्यूट प्रेशर एट एनी पॉइंट. तो मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, पी मैक्स विल बी पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, और मिनिमम प्रेशर कितना हो सकता है, पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, पी नॉट माइनस डेल्टा. जब मैक्सिमम प्रेशर प्रेशर होता है तो क्या बनता है, कंप्रेशन, और मिनिमम प्रेशर में रेयरफैक्शन. यानी कि हर पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको ये देखने को मिल जाएगा. अब यहां पर बहुत एक अच्छी बात क्या है वो सुने कि डिस्प्लेसमेंट वेव में और एक्सेस प्रेशर वेव में, किसमें, डिस्प्लेसमेंट वेव में और एक्सेस प्रेशर वेव में कितना फेज डिफरेंस दिख रहा है. देखो एक साइन है दूसरा कोस है, तो कितना फेज डिफरेंस रहा होगा, पाई बाई टू. So phase difference between displacement and pressure wave कितना आ जाएगा, pi by 2. डायरेक्ट याद रखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यानी कि एक अगर साइन है तो दूसरा कैसा है, cos. ये साइन वाला है, यानी कि ये x है, तो दूसरा होगा डेल्टा पी एक्स. डेल्टा पी एक्स, ये अगर साइन है तो ये कॉस होता है. कॉस का ग्राफ आता है क्या आप लोगों को, कॉस का ग्राफ इधर से स्टार्ट होता, राइट, यस सर, फिर ऐसे जाता है ना, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ऊपर ही जाएगा, वो तो सबको पता है ऐसा कुछ. हाँ ऐसा कुछ सही बनाया ना मैंने, यस. तो ये साइन का ग्राफ है और ये कॉस का ग्राफ है. तो देखो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, रेयरफैक्शन. इस पर कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर कितने कितने के बराबर मिलेगा, पी नॉट, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको प्रेशर कितना मिलेगा, पी माइनस डेल्टा पी, डेल्टा पी नॉट, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर कितना मिलेगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट माइनस. तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन यहां पे भी कुछ नहीं मिलने वाला, यहां पे भी प्रेशर पी नॉट के बराबर ही मिलेगा. तो ये ऐसे बनता चला जाता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन. तो कभी कभी क्या होता है, हमको ग्राफ दे देता है और बोलता है कि बताओ कहां पर कंप्रेशन होगा कहां पर रेयरफैक्शन होगा. तो जहां पर एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम है वो कंप्रेशन, जहां पे मिनिमम है वो रेयरफैक्शन, जहां पे जीरो एक्सेस प्रेशर वो नॉर्मल, वहां पे कुछ ही नहीं है. अब समझने वाली बात इसमें यही है, क्या है इसमें समझने वाली बात वो देखते हैं. इसमें समझने वाली बात यह है कि ग्राफ ये नहीं देता, ये वाला देता है. हमको ये ग्राफ नहीं दिया जाता, ये ग्राफ दिया जाता है, ये वाला ग्राफ दिया जाता है. और ये ग्राफ में हमको बोला जाता है कि बताओ, Sx का ग्राफ दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेव दी जाती है हमको, वी आर गिवन डिस्प्लेसमेंट वेव, और हमसे पूछा जाता है कहां पे कंप्रेशन बनेगा और कहां पर रेयरफैक्शन बनेगा. कंप्रेशन किधर है, रेयरफैक्शन किधर है. जैसे कि मैं बोलूं पॉइंट वन पर क्या है, पॉइंट टू पर क्या है, पॉइंट थ्री पर क्या है, पॉइंट फोर पर क्या है, बताओ. वेव ऐसे जा रही है, बताओ जल्दी जल्दी किधर कंप्रेशन और किधर रेयरफैक्शन. देखो आपको पता है कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाय टू.
यस और नो? यस सर। है ना, यानी कि जब ये मैक्सिमम है तो क्या वो डेल्टा पी जीरो रहा होगा? यस और नो? हाँ। इस जगह पे तो कुछ नहीं बनने वाला है, यानी कि इस जगह पे तो प्रेशर पी नॉट के बराबर ही रहेगा, और इस जगह पे भी प्रेशर कितने के बराबर रहेगा? पी नॉट। यानी कि इन दोनों में से एक क्या है, कंप्रेशन, और एक क्या है, रिट्रैक्शन। अब वही हमको पता करना है कि इन दोनों में से कौन कंप्रेशन और कौन रिट्रैक्शन, तो वो हम देखते हैं वेलोसिटी से। किसे देखेंगे? वेलोसिटी से देखेंगे। अब हमको पता है वेलोसिटी कैसे होती है, किसको फॉलो करते हैं हमेशा, आगे वाले को या पीछे वाले को? पीछे वाले को पीछे वाले को फॉलो करते हैं। तो देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट पीछे वाला, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे, तो ये भी किधर जाएगा? नीचे। नीचे का मतलब पीछे होता, राइट? हाँ। यहाँ पर नीचे का मतलब पीछे होगा ना, क्योंकि ये तो कौन सा वेव है, साउंड वेव है। यस, इसके जस्ट आगे वाला देखो किधर है, उसके ऊपर। ऊपर है ना, उसके ऊपर है। और अगर ऊपर है तो एक तो राइट, एक राइट, तो एक हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट। यहां पे देखो, इसके जस्ट पीछे वाला किधर है? ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर, राइट राइट। और ये जस्ट इधर वाला नीचे, नीचे मतलब लेफ्ट। तो कौन सा पॉइंट दब रहा है? ये पॉइंट दब गया। जो पॉइंट दब गया वो क्या बनेगा? कंप्रेशन। नहीं दबा वो रिट्रैक्शन। ऐसे करना। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे किया तो आपको आंसर मिल जाएगा दोनों के भी। अब यहाँ पर भी कुछ बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले हैं, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि वही हमारे फॉर्मूले, कैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया था अभी इंटेंसिटी का? 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस इनटू वी। यहाँ पे एक ही जगह क्या हो जाएगा सिर्फ? एस नॉट। और अगर इसको और अच्छा बनाया जाए तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे? वेलोसिटी को ओमेगा पे। अरे वेलोसिटी रूट क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी रूट बीटा बाय रो ना? बीटा बाय रो। बीटा बाय रो। हाँ। है ना? वेलोसिटी को रूट बीटा बाय रो। और हमको पता है ना, क्या पता है? डेल्टा पी नॉट बराबर बीटा के एस नॉट। एस नॉट की जगह क्या डाल सकते हैं? डेल्टा पी नॉट बाय डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर अपॉन बीटा के स्क्वायर। बीटा स्क्वायर के स्क्वायर। के स्क्वायर है ना, इसको वी रहने दो अभी, है ना? अभी बताता हूँ ऐसा क्यों। तो 1/2 रो ओमेगा बाई के को क्या लिख दें? वी वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा वी क्यू। यस अपॉन बीटा स्क्वायर डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, है ना? अब बीटा को कहां से लाया? देखो वी बराबर होता है रूट बीटा बाई रो, सो वी स्क्वायर बराबर बीटा बाई रो, तो बीटा बराबर वी स्क्वायर रो। वी स्क्वायर रो। जिंदगी में हमको क्या करना है? हमेशा रोना है। तो 1/2 रो वी क्यू बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर? रो रेस टू टू वी रेस टू फोर। हाँ, तो रो से रो गया, वी गया, तो कितना आ गया? ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेल्टा पी नोट का स्क्वायर अपॉन टू रो वी। अरे हाँ या ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
8:30 ना डायरेक्ट डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन टू रो वी। अरे बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है ये। आपको लग रहा होगा मजाक चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है ये, मजाक होता तो आपको क्यों बताऊंगा मैं, इतना डिराइव क्यों करूंगा उसको। नहीं आप इसको रट लीजिए, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन टू रो वी। वैसे तो आपको सारे फॉर्मूले आने ही चाहिए, बट फिर भी ये भी अच्छा फॉर्मूला कहलाता है। यस अगर आपके पास इंटेंसिटी है तो क्या आप पावर भी निकाल सकते हैं, यस और नो? पावर क्या होता है, इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो एरिया पे एरिया निकाल लेना, एरिया पे एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, पावर और भी एवरेज पावर आ जाएगा आपके पास। चलो बात करते हैं रिफ्लेक्शन की और ट्रांसमिशन की। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है ना, रिफ्लेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्शन के बाद सुपरपोजिशन देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन देखते हैं पहले हम, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव यानी कि एक वेव जब रिफ्लेक्ट करती है तो क्या होता है। तो देखो रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या दो मीडियम होना जरूरी है? तभी तो मीडियम से एक मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे मान लो ये एक वेव जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट वेव। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट वेव। मान लो ये इंसिडेंट वेव का जो हमारे पास इक्वेशन है वो ऐसा कुछ आ गया, ए आई साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, ये इंसिडेंट वेव है। अब दो चीजें हो सकती है इसके साथ, एक तो मीडियम टू में जा सकती है, तो मीडियम टू में जो वेव जाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड वेव। और जो वापस लौट के आ गई उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्ट आगे होता है पीछे होता है, पीछे होता है। फिर मेन में क्या है ना, ऐसे मत करो। सो ट्रांसमिटेड, तभी देखो ट्रांसमिटेड वेव तो किधर को निकल गई, आगे को है ना। तो उसका तो मीडियम चेंज हो गया है, यानी कि ये मीडियम अलग था और ये मीडियम अलग है, दोनों मीडियम अलग अलग हो गए। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं बाय द वे, यस फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन के चेंज हो जाएगा, ये के वन है और ये के टू है। क्या वेलोसिटी ऑफ वेव भी चेंज हो जाएगा? यस यस वेलोसिटी ऑफ वेव भी चेंज हो जाएगा। ओमेगा चेंज होगा क्या? नहीं नहीं। तो y ट्रांसमिटेड वही रहेगा, ए टी साइन ओमेगा टी, ये k1 था तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ k2। लेकिन y रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, a रिफ्लेक्टिव पलटी मारेगा, यस और नो? हाँ। तो साइन ओमेगा टी प्लस की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि रिफ्लेक्टिव वेव किधर जाएगी, प्लस एक्स या माइनस एक्स? माइनस एक्स में वो जाने वाली है। तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले आपको याद रख लेना चाहिए, जैसे कि ये तो दिया रहेगा आपको, तो आपको एटी और एआर पूछेगा। तो एटी के फॉर्मूला होता है, एटी का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2 इनटू ai, और ar का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इनटू ai, है ना। देखो फॉर्मूला रट डाला ना आपने तो लाइफ झिंगा लाला है फिजिक्स में। बाय द वे यही सेम फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हम v को ओमेगा बाई k लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। लेकिन ओमेगा तो सेम है ना दोनों का, हाँ। यानी कि v इज रेसिप्रोकल ऑफ k, यस और नो? यस। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डू यू एग्री? हाँ सर। हाँ कि ना? हाँ।
हाँ 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 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपने रट दिए ना तो मजा आ जाएगा आपकी जिंदगी में, और इनका यूज भी बहुत खतरनाक है। मैं बताता आपको अभी इनका यूज क्या है, है ना, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो देखो इनका यूज कैसे लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छा यूज है इनका। एक चीज बता देता हूं, अगर मान लो ये आपका ट्रांसवर्स वेव, मतलब ये स्ट्रिंग होती, स्ट्रिंग अगर ये स्ट्रिंग होती ना बेटा, तो फिर क्या हो जाता ना, वी वन हो जाता अंडर रूट टी बाई म्यू वन, और वी टू क्या हो जाता अंडर रूट टी बाई अंडर रूट टी बाई म्यू वन, और टी आपको दिया होता, टेंशन मान लो आपको दोनों स्ट्रिंग का दिया होता, तो अंडर रूट टी वन बाई म्यू वन अंडर रूट टी टू बाई म्यू टू। क्वेश्चन करेंगे तो ही फील आएगा इसका, है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी बकवास कर लूँ उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक आप फील्ड में कूदेंगे नहीं तो फील नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर टेंशन सीरीज में अगर स्ट्रिंग लगा दी आपने तो टेंशन सेम हो जाएगा, तो टेंशन का कोई पंगा नहीं रहेगा। म्यू वन म्यू टू आपको निकालना पड़ेगा, क्या म्यू वन को एम वन अपॉन एल वन और म्यू टू को एम टू अपॉन एल टू लिख सकते हैं? हाँ। ये ध्यान रखना, क्योंकि मास और लेंथ आपको दे देगा, है ना। इसमें ही हम पढ़ ट्रांसवर्स वेव का ही हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें बहुत खतरनाक चीज आती है, पहली चीज आती है कि मान लो आप जा रहे हैं किस मीडियम से किस मीडियम में, डेंसर से रेयर, आप जा रहे हैं डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर अगर आप जाएंगे तो कौन बड़ा कौन छोटा, V1 बड़ा ना, V बड़ा। अरे हाँ हाँ, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अरे V2 बड़ा ना, हाँ सर। ये साउंड नहीं है, ये साउंड नहीं है बेटा, ठीक है, साउंड नहीं है, ये तो नॉर्मल वेव है, ट्रांसवर्स वेव अपना स्ट्रिंग वाला। तो V2 बड़ा होगा V1 से इसमें, ठीक है। तो देखो अगर V2 V1 से बड़ा होगा तो AT will be positive, देखो क्योंकि इसमें तो नेगेटिव का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। हाँ। लेकिन यहां पे देखो अगर V2, ये फॉर्मूला सही लिखा ना अपने, V2 माइनस V1 ही आता है ना इसमें, यस सर, या V1 माइनस V2 आता है, V2 माइनस V1 आना चाहिए था, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, कंफर्म करो एक बार, V2 माइनस V1, पक्का, हाँ सर, हाँ यस सही है। तो अब क्या है ना, V2 V1 से बड़ा है तो AR भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, यस। देखो अगर V2 V1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, आएगा। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है वो सीखो आप, कि मान लो AI ऐसे था तो पक्का है AT भी ऐसे होगा, हाँ या ना, हाँ। और AR भी ऐसे ही होगा, ये इसका मतलब है, AT पॉजिटिव AR, मतलब जिधर AI जाएगा उधर ही ये होगा, यानी कि इस केस में क्या होता है, नो फेज चेंज, यस यस, इस केस में फेज चेंज नहीं आता है, AI पॉजिटिव तो AT भी पॉजिटिव AR भी पॉजिटिव, यानी कि इस केस में ये जो फाई है इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, हाँ या ना, हाँ। मतलब रिफ्लेक्ट होकर ही आ रही है बट फिर भी वो फेज नहीं आता वहां पर, डेंसर से रेयरर में। चलो रेयरर से डेंसर चलते हैं, अब रेयरर से डेंसर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर हमको पता कैसे चलेगा रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर, अगर म्यू टू छोटा रहा म्यू वन से तो कौन सा हो जाएगा, अरे ये डेंसिटी है ना एक तरह से, तो म्यू वन बड़ा रहेगा अगर म्यू टू से तो आप जा रहे हैं डेंसर से रेयरर, और अगर म्यू टू बड़ा रहेगा वी वन से तो आप जा रहे हैं रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो कौन बड़ा, वी वन या वी टू, वी वन,
V1 बड़ा V2 से, और जब V1 बड़ा होगा V2 से तो क्या AT तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन क्या AR नेगेटिव हो जाएगा? हाँ, यानी कि अगर मेरा AI ऐसे था तो AT तो ऐसे ही रहा, लेकिन मेरा AR कैसा हो गया? नेगेटिव। यानी कि ऐसे से ऐसे हो गया तो कितने का फेज डिफरेंस आया? पाई का। पाई का फेज डिफरेंस होता है ना, प्लस साइन ऐसे बनता है तो माइनस साइन ऐसे बनता है, हाँ या ना? हाँ। तो पाई का फेज चेंज कब आएगा, जब कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहे होंगे? रेयरर से डेंसर जा रहे होंगे, तो पाई का फेज चेंज आ जाएगा रिफ्लेक्शन वाली वेव में, रिफ्लेक्टेड वेव में। अब इनके स्पेशल केस भी हैं। क्या स्पेशल केस है सर? देखो स्पेशल केस मैं बताता हूं तुमको। स्पेशल केस में क्या आता है, पहले जैसे डेंसर से रेयरर आप जा रहे हैं, तो डेंसर से रेयरर का स्पेशल केस क्या है कि फ्री एंड है। कैसा एंड है? फ्री एंड है, यानी कि एक स्ट्रिंग ऐसे लगी है एंड दिस इज योर फ्री एंड, और आपने यहां पर एक वेव क्रिएट कर दिया इंसिडेंट वेव, तो ये फ्री एंड है, इस पे मूव कर सकता है, ये मीडियम पे, मीडियम की बाउंड्री पे मूव कर सकता है। तो फ्री एंड की केस में क्या हो जाएगा, V1 बहुत छोटा हो जाएगा किससे? V2 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, AT हो जाता है ट्वाइस ऑफ AI, और AR किसके बराबर हो जाता है? AI के। यानी कि जो ट्रांसमिटेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। सर ये आता कहां से है? ये बिल्कुल आता है, इधर से आता है, यहां से आता है, ये देखो यहां पे देख लो आप। चूंकि V1 बहुत छोटा है तो आप V1 को इग्नोर कर दो, V1 को जैसे इग्नोर कर दोगे तो बचेगा 2V2 अपॉन V2, V2 से V2 कट जाएगा तो क्या ट्वाइस AI आ जाएगा? और यहां पर भी V1 को इग्नोर कर दो तो V2 अपॉन V2 1 आ जाएगा, 1 इंटू AI क्या आ जाएगा? यानी कि रेयरर मीडियम तो है लेकिन फ्री एंड है, तो फ्री एंड में क्या होता है, फेज डिफरेंस भी नहीं आता और ट्रांसमिशन वाले का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ट्वाइस ऑफ AI, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड वही होता है जो इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड था। इतना क्लियरिटी के साथ पता होता है तब हमारा क्वेश्चन बनता है। ये है पहला स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल क्या है? फिक्स्ड एंड। दूसरा स्पेशल केस रेयरर से डेंसर में फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड का मतलब ये एंड फिक्स है। ये एंड फिक्स का मतलब क्या है कि दूसरा मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर है, यानी कि इस केस में V1 बहुत 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 बड़ा है किससे? V2 से। यानी कि V1 बहुत 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 बड़ा है V2 से, तो इस केस में जब आप देखेंगे तो AT कितना आएगा बोलो? जीरो। जीरो कैसे? जीरो देखो फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, वाकई में जीरो भी आता है या नहीं। जैसे AT का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI, इसको ऐसे लिखो ट्वाइस ऑफ V1 बाय V2 प्लस 1। अब V1 by V2 is very 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 greater than 1, यानी कि 1 plus 1 से बहुत बड़ा क्या आएगा? बहुत बड़ा something upon बहुत बड़ा क्या आ जाएगा? Zero। Something upon बहुत बड़ा तो जीरो ही आना चाहिए। अरे fixed end है यार, कुछ transmit होगा क्या आगे की तरफ? नहीं, आगे कुछ जा ही नहीं सकता, तो ए ट्रांसमिशन वाला जीरो आ जाएगा, और जब ए रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो आता है माइनस AI। ए रिफ्लेक्शन जब निकालते हैं तो आता है माइनस AI।
तो ये चारों केस डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर नॉर्मल केस, और स्पेशल केस हमको आना चाहिए, और AR और AT का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। कब डिफरेंस आता है पाई का, कब डिफरेंस आता है जीरो का पता होना चाहिए, तब जाके हमसे रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो जय राम जी की। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इसमें कैसे, कि मान लो ये एक खरगोश का कान आगे बढ़ रहा है ऐसे, कौन आगे बढ़ रहा है, ये खरगोश का कान, तो ये खरगोश का कान आगे बढ़ रहा है इसमें, है ना, इंसिडेंट कर रहे हैं, और ये एंड फ्री है, तो आपको रिफ्लेक्टेड वेव ड्रॉ करनी है, तो बताओ रिफ्लेक्टेड वेव कैसी दिखाई देगी, बताओ कैसे है। अब देखो फ्री एंड है तो फेस चेंज आएगा या नहीं, फ्री एंड में फेस चेंज आता नहीं है, नहीं। तो ये ऊपर आ रहा था तो ऊपर का ऊपर ही वापिस चला जाएगा, यस और नो, और जो पहले आ रहा था वो टकराएगा और वापिस पहले ही लौट के चला जाएगा, कुछ लॉस होगा क्या, नहीं कुछ लॉस नहीं होगा, AR AI के बराबर ही होगा, तो कैसा दिखाई देगा बोलो, ये पहले आया तो इसी को आप पहले भेज दो, यस और नो, क्या ऐसे चला जाएगा ये, हाँ, हाँ। तो खरगोश का कान आया और खरगोश का कान चला गया, गया। वही अगर ये फिक्स्ड एंड होता तो क्या होता, उल्टा, इसका जस्ट क्या कर देते, उल्टा, क्योंकि यहाँ पर फेस चेंज आएगा फिक्स्ड एंड में, कितने का, पाई का फेस चेंज आएगा, तो इसका क्या कर दो, सिर्फ नीचे ऐसे की तरफ, हाँ, हाँ। यानी कि खरगोश उल्टा लेट गया, हाँ या ना, हाँ। हाँ, खरगोश अच्छा समझ में आया गौरव वर्षों को, खरगोश यस, तो फ्री एंड फिक्स्ड एंड और खास करके फॉर्मूलास, कभी कभी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ओके, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कैसे किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव, क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ वेव से ही हमारा कौन सा वेव स्टार्ट होगा, स्टैंडिंग वेव, जैसे कि मान लो इधर से एक वेव आ रहा है ऐसे आया, कैसे आगे बढ़ रहा है, और इधर से भी एक वेव आगे बढ़ रहा है, ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, दोनों जर्क आगे बढ़ रहे हैं, इसका वेलोसिटी भी है 2 cm/s, इसका वेलोसिटी भी है 2 cm/s, और ये डिस्टेंस है मेरा 10 cm, कितना है बेटा 10 cm, है ना, 10 की जगह इसको कर लो आप 12 कर लो, 12 cm। अब आपसे क्या बोला, ड्रो वेव पैटर्न आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद वेव पैटर्न ड्रॉ करिए, तो आप देखिए मुझे बताइए 3 सेकंड में ये कितना आगे चला जाएगा, ये पॉइंट 6, अरे भाई वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, 2 × 3 6 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी कितना आगे चला जाएगा इधर 6, तो 6 टोटल मिला के कितना हो जाएगा 12, ये मान लो 4 cm और ये मान लो 4 cm, तो क्या ये दोनों ऐसे चिटक जाएंगे ऐसे, यस और नो, हाँ। तो ये वेव पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा,
मेरा नाम, यानी कि पहले m दूर दूर था, अभी m कैसा आ गया? ऐसे पूछता है ये। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो बात थी 3 सेकंड की, बात करता हूं 4 सेकंड की, कर सकता हूं क्या? हाँ। 4 सेकंड की बात करते हैं। So at 4 सेकंड, सेम क्वेश्चन, ड्रॉ वेव पैटर्न, बताओ कितना कितना और अंदर चले जाएंगे ये, 1 सेकंड और दिया तो बताओ 1 सेकंड में ये कितना आगे जाएगा? और 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा, यस? हाँ। और ये भी और कितना चला जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो मैं दोनों को अलग कलर से बनाता हूं, तो ये भी 2 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा, और ये वाला भी 2 सेंटीमीटर अंदर चला जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड और आपने दे दिया है उसको, तो ये भी ऐसे 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? सुपरपोजिशन हो गया, यस? तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि जो ऐसा आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, जस्ट इसका डबल। अरे एक के ऊपर एक आ गया ना बेटा अभी, तो अगर एक के ऊपर एक आ जाएगा तो जुड़ना ही पड़ेगा उनको, यानी कि ये वाला ग्रीन, रेड वाला और ब्लू वाला दोनों का एडिशन कर दो। जैसे कि मान लो ये था मेरा 1 सेंटीमीटर, तो ये इसका 1 सेंटीमीटर और इसका 1 सेंटीमीटर, टोटल कितना? 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां, ये ऐसा आपको दिखाई देगा, यस और नो? यस सर। तो इसको कहते हैं हम लोग सुपर डुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो कल हम क्या देखेंगे, स्टैंडिंग वेव को देखेंगे। स्टैंडिंग वेव में भी एक वेव इधर से आएगी और एक वेव इधर से आएगी, और दोनों का क्या होगा, सुपर डुपर पोजीशन। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है? यस। देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि चैप्टर वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं काफी इजी वे में इसको बता रहा हूं, है ना, टू द पॉइंट बता रहा हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको छोड़ सकते हैं किसको करना ही पड़ेगा, क्या फॉर्मूला ही रट लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूले रटने से ही आपके बन जाएंगे। दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं। फिर झूठ बोल रहे हो तुम लोग यार, झूठ बहुत बोलते हो यार। दिखा है? नहीं सर। मनाली, मनाली आई या नहीं? हूँ सर। दिख रहा है बेटा? नहीं सर। देख तू भी झूठ बोलने लगी। नहीं सर। भगवान, क्वेश्चन मिल जा भाई, बढ़िया क्वेश्चन मिल जा। जो मैंने आज पढ़ाया ना उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है एक्चुअली, इसीलिए दिक्कत आ रहा है इसमें, स्टैंडिंग वेव से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर यही कर लेते हैं, टाइम वैसे भी नहीं बचा, ये कर लेते हैं। अभी दिखा? हाँ सर। हाँ सर। सो बोल रहा है कि 2 points आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 meter एंड 15 meter फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑसिलेशन, तो दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 meter? हाँ या ना? हाँ। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया है 0.05 सेकंड, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना दिया है,
300 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है लैम्डा बाय टी, हाँ कि ना? हाँ। तो लैम्डा हो जाएगा वीटी। तो 5 × 15 हाँ सर 15 मीटर। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? सो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा। फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई इनटू डेल्टा एक्स कितना 5 हाँ अरे 15 कितना आ गया 2 पाई बाय 3 ठीक है। अभी टाइम के हिसाब से बता दिया मैंने ना, मुझे माफ कर देना तुमको, इतना टाइम बचा था क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। ठीक है बाकी आप करिएगा है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। थैंक यू सर।